अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर विच इज केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, जो सेवन चैप्टर है उसका आपका मैंने क्विज भी लिया, और जिन बच्चों का क्विज ठीक नहीं हुआ मैंने करेक्ट एमसीक्यू भी शेयर किए हैं, उनको देखें ध्यान से बेटा, थोड़े से सीरियस हो जाए। मैं आपको पहले भी बार बार यही कहती हूँ, चीजें इकट्ठे ना करें, चीजें इकट्ठे करने का कोई फायदा नहीं होता। साथ साथ पढ़ेंगे ना तो आपके लिए भी आसानी होगी, और कल को आप पेपर करेंगे, टेस्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, एक टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो बेशक आप कैमरे के पीछे हैं लेकिन सब कुछ दिख रहा है, वो आपको नंबर दिखा रहे हैं आप कितना पढ़ रहे हैं, तो काइंडली थोड़ा पढ़ना शुरू कर दे। तो ये है केमिकल रिएक्टिविटी चैप्टर। इस चैप्टर में बेटा आज हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे, सबसे पहले जो प्री रीडिंग है उसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी होती है, इन्फॉर्मेशन इन अ सेंस के इस चैप्टर को पढ़ने का आपको क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, इसमें मतलब एक लाइन जो पहली लाइन है बहुत ही अच्छी लाइन है उन्होंने लिखी, लाइक मतलब इस लाइन का कोई मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शंस आर हार्ट एंड सोल ऑफ केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का दिल गुर्दे सारा कुछ समझ लें आप कौन है, केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस हार्ट एंड सोल ऑफ केमिस्ट्री। वैसे मतलब केमिस्ट्री पढ़ना तो वैसे ही स्वभाव है ना, तो अब देखिए वो कह रहे दिल और रूह जो है वो केमिस्ट्री की कौन है, केमिकल रिएक्शंस, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस को समझना बहुत जरूरी है। जहां भी कहीं भी कोई भी टॉपिक आप कर रहे होते हो बेटा, आपको उसमें कोई ना कोई इक्वेशन जरूर दिखती है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूला, कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है, जिससे हमें पता चल जाता है अच्छा भाई आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसके अलावा इसमें कुछ ना मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हुआ है कि मेटल्स जो होती हैं कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्ट करती हैं, कुछ कम रिएक्ट करती हैं, कुछ को रस्टिंग हो जाती है, कुछ को अलग अलग पर्पजेज के लिए यूज करते हैं। तो इनको बेटा आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, बेसिकली इनको जस्ट आपने पढ़ना होता है, समझना होता है, लर्न एज सच इसमें से कुछ इतना खास नहीं करना होता। अब देख लेते हैं नीचे जो रीडिंग जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, दीज आर मेटल्स। बेटा मेटल्स के बारे में जब हम बात करें तो ये मैंने ना सेम टू सेम पिक्चर एड की है आपकी यूनिक नोट्स की, इसमें थोड़ी मतलब हेडिंग्स हुई है, चीजें वही है, मतलब पैराग्राफ भी वही है, जस्ट उन्होंने हेडिंग्स ऐड कर दिया, तो आप अपनी बुक पे भी उधर हेडिंग्स ऐड कर सकते हो यहां से देख के। अब सबसे पहले तो ना मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ। पीरियोडिक टेबल में जब भी आप बेटा देखते हो, आपने ना थर्ड चैप्टर में पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज चैप्टर किया था जिसमें आपने ना अलग अलग ट्रेंड्स देखे थे, आई होप आपको याद होंगे। आप देखो जब भी हम पीरियड में इस साइड पे, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड, और ये कौन सी है, राइट साइड। हम कहते हैं जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो जो एटॉमिक साइज है वो क्या करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, आपने यही याद किया था ना, डिक्रीज करता है, एक सेकेंड, ओके, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। और उसके बाद हम क्या लेते हैं, एटॉमिक आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं हम। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, आयनाइजेशन एनर्जी जब भी हम पीरियड में मूव करते हैं तो ये इंक्रीज करती है, इसका ऑपोजिट होता है ना, साइज का ऑपोजिट होता है। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपने पढ़े थे। आज बेटा जब आप ग्रुप की बात करते हो तो ग्रुप के केस में ऑपोजिट होता है ना, साइज अगर ग्रुप में डिक्रीज कर रहा है तो पीरियड में डिक्रीज कर रहा है तो ग्रुप में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अभी बेटा हमने पीरियड को डिस्कस किया है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, अब हम बात करने लगे ग्रुप की, टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे, जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, और जो बाकी चीजें हैं जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, तो ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। ऐसे ही है बेटा, टॉप से बॉटम की तरफ आए तो एनर्जीज डिक्रीज करती है, साइज इंक्रीज करता है। यहाँ पे बेटा जो एक चीज हम देखने जा रहे हैं वो ऑपोजिट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे कि आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी कोई भी बॉन्डेड एटम्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल बना लिया, या किसी भी तरीके से जब भी हम बात करते हैं इन एटम्स की तो हम कहते हैं इनकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, खुद की तरफ खींचने की पावर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो
पॉजिटिविटी। नेगेटिव क्या कह रहा है, नेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच खींच के रख रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई, सखी दिल है, मतलब कह रहा है मतलब जाओ इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ से आजाद हो तुम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का बिल्कुल ऑपोजिट होगी। जब ऑपोजिट है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बताएगा। उसके बाद ट्रेंड्स भी इसके क्या होंगे बेटा, ऑपोजिट होंगे। जैसे हमने अभी ग्रुप में क्या कहा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है ग्रुप में, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आल्सो हमने देखा पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, इसका मतलब है जब भी हम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, मतलब इसके ऑपोजिट रहेगी। तो ये चीज याद रखिएगा, पीरियड में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज करती है, ग्रुप में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि मेटल नेचर है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि मेटल का नेचर क्या होता ज्यादा है, कम। क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वो है जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मेटल कौन है जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो इसका मतलब है जिसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा उसका मेटालिक नेचर भी ज्यादा और वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। बेटा ये इन बातों का ना जरा ध्यान से माइंड में पहले फिट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद अगला पढ़ना शुरू करिएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं अपनी बुक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने बुक में ना आपको मेटल्स के बारे में बेटा बताया कि मेटल्स कहां तक है। मेटल्स आपको पता है जो zigzag लाइन है ये सेपरेट कर रही होती है मेटल्स को नॉन मेटल्स से, ये सारे के सारे मेटल्स हैं और ये साइड पे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अगर आप इसके मतलब पोर्शन करके देखते हो सोचते हो कि मतलब चार हिस्से हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के, तो ऑलमोस्ट जो थ्री पार्ट्स हैं वो किसने कवर किए हुए हैं, मेटल्स ने या मेटलाइड्स ने, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अच्छा अगर मैं कह रही हूं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, रुको जरा, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ग्रुप में मैं क्या कह रही हूँ आपको, इंक्रीज कर रही है, ठीक है, इंक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज कर रही है तो यहाँ से कोई एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं, कर सकते हैं ऑफकोर्स। जैसे ये है हमारे पास लिथियम, लिथियम और सोडियम, हमने कहा डाउनवर्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ने बढ़ना है, ज्यादा होना है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ सोडियम ज्यादा मेटेलिक होगी या लिथियम ज्यादा मेटेलिक होगी, किसका मेटेलिक नेचर ज्यादा होगा, सोचे जरा। डाउनवर्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है सोडियम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी, किसके निस्बत, लिथियम के निस्बत। तो फिर सोडियम ज्यादा मेटालिक होगी किसकी कंपैरिजन में, लिथियम के कंपैरिजन में। यही चीजें अभी हम ऊपर भी देखेंगे। उसके बाद देखो जरा बेटा, अगर मैं पीरियड की बात करती हूँ, पीरियड में हमने क्या पढ़ा अभी, पीरियड में हमने पढ़ा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीज करेगी तो जब हम कंपेरिजन करते हैं, भला ये सेकेंड पीरियड ही देख लेते हैं, लिथियम से बेरिलियम की तरफ जब हम जाएंगे, ठीक है, इस तरफ को पीरियड में, तो कहीं इसको क्लियर ही ना कर ले, नहीं कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। जब भी हम पीरियड में जाएंगे तो हम कहेंगे इस साइड को तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम हो रही है, इसका मतलब है मेटल का नेचर भी क्या हो रहा है, कम। आहिस्ता आहिस्ता आपके पास क्या आती जा रही है, नॉन मेटल आती जा रही है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह अगर लिथियम के मेटालिक नेचर की बात करें, लिथियम ज्यादा मेटालिक होगा, बेरिलियम उससे कम मेटालिक होगा, बोरोन जो है वो कम, कार्बन उससे कम, सारे मतलब कम से कम की तरफ जा रहे हैं। मतलब पहले स्टार्टिंग पे मेटल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता पीरियड में मेटल्स का नेचर कम होता जा रहा है, नॉन मेटल्स बनती जा रही है, जो कि बता रहे हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। आल्सो एक और चीज देखिएगा बेटा, ग्रुप में जब भी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब यह है कि इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की एबिलिटी भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। मेटल का नेचर जो है वो ऑक्सीजन को ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनाता है ना, मेटल्स पॉजिटिव वाले आयन बनाती हैं। तो मोस्टली हम देखते हैं कि जो ज्यादा मेटेलिक ऑक्सीजन उसके पास ही जाता है, ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन उसके पास जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्रुप में क्या होगा, ग्रुप में डाउनवर्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ रही है, मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अब पीरियड की बात कर लो, पीरियड में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम हो रही है, मेटालिक नेचर कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी भी कम होगी। तो दो तीन पॉइंट्स हैं, इनको माइंड में रखना है, ठीक है। अब हम ऊपर जाते हैं बेटा,
ये देखे आपको मैं कहाँ ऊपर ऊपर लेके जा रही हूँ, आप फिर भी नीचे ही रहना पसंद कर रहे हैं, पढ़ लिए कुछ अल्लाह के बंदो। तो स्टार्टिंग पे इन्होंने मेटल्स के बारे में बताया हुआ कि मेटल्स होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इसी वजह से हम उन्हें मेटल्स कह रहे होते हैं। और मेटल्स की पोजीशन बताई है कि मेटल्स पीरियोडिक टेबल में किस साइड पे होते हैं, लेफ्ट साइड पे होते हैं, ऑलमोस्ट मतलब थ्री पार्ट्स कवर कर रहे हैं। उसके अलावा इनके बारे में बताया कि ये शाइनी होते हैं, मेटल्स मोस्टली शाइनी होती है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। अच्छी खासी कंडक्टर भी होती है, मेल्टिंग पॉइंट्स भी इनके हाई होते हैं, इलेक्ट्रिस